भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आप सबका आज सुबह की सच्ची खबरों में स्वागत है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि देश भर में जगह जगह अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन जो है युवा कर रहा है। अब यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को ऐसे जो है काम में लगाया गया है, जिससे आंगनबाड़ी बहनों को भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि आपको बता दें कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जो दानपुर बुलंदशहर के हैं, उन्होंने 19 जून को अभी एक सरकारी आदेश अपना जारी किया। नीचे इनका आप देख सकते हैं, दानपुर बुलंदशहर से बाल विकास परियोजना अधिकारी, और इसमें लिखा क्या है वो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहां पर इन्होंने कहा है समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दानपुर, लिखा है कार्यालय उप जिला अधिकारी महोदय डिबाई, पत्रांक पड़ा है 1683 ST SDM और यहां पर 22-23 दिनांक 18-6-22, इनके आदेश के क्रम में अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं के द्वारा देश भर में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की जो ड्यूटी है वो उनके सर्वे क्षेत्र में 5 बजे से लगाई जाती है। उपरोक्त के क्रम में आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपने सर्वे में भ्रमण करते रहें, कहीं भी भीड़ भाड़ अथवा धरना प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन होने की स्थिति में अविलंब अधो हस्ताक्षरी को सूचित करें। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संबंध मुख्य सेविका अपने अपने क्षेत्र से उपरोक्त सूचना संकलित करके समय समय पर सूचित करें। आप देख रहे प्रतिलिपियां उप जिलाधिकारी महोदय डिबाई, जिला कार्यक्रम अधिकारी बुलंदशहर, क्षेत्रीय मुख्य सेविका। आप सबको सूचित करना चाहूंगा कि अब आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। हमें तो बहुत जो है यहाँ पर ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये जो काम है वो जो किसके स्तर के हैं, पुलिस प्रशासन के स्तर के हैं, सुरक्षा बलों के स्तर के हैं, क्योंकि आपने देखा है देश में कई जगह जगह जो है ट्रेनें तक जो है अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं ने जलाई है। इसके अलावा न जाने कितनी तोड़फोड़ की गई है और बहुत सारी चीजें, न जाने कहीं कहीं पत्थर भी फेंके गए हैं। तमाम वीडियो आप सोशल मीडिया में या फिर न्यूज चैनलों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से उपद्रव मचाया जा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में महिलाओं को वहां पर इसके लिए भेजना, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ना तो इनके पास कोई सुरक्षा के हिसाब से ट्रेनिंग है, क्योंकि ये काम जो है पुलिस प्रशासन के हैं, सुरक्षा बलों के हैं, ना कि इस तरह से बाल विकास विभाग में 6 सेवाओं के लिए मुख्य रूप से कार्य कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के हैं। अगर ये इन कामों में लगेंगी तो बाकी के काम कौन करेगा, और वैसे भी इस काम के लिए कार्यकर्ता नहीं लगाई गई है, और गवर्नमेंट हमेशा जो है चाहे उनका मानदेय हो चाहे उनके हक में जो भी उनका मांग होता है उनको जब वो रखती है तो सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। हां, कहीं पर भी चाहे कोरोना आए वहां पर सर्वे जांच के लिए भेज दिया जाता है, कहीं इस तरह से उपद्रव लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं तो वहां पर निगरानी के लिए भेज दिया जाता है, या गांव में कोई बाहर से कोरोना के समय आ रहा था तो उनकी निगरानी में लगा दिया गया। यानी कुल मिलाकर के जहां कहीं भी इस तरह के मैटर आते हैं जिनमें दिक्कतें ही दिक्कतें देखने को मिलती है, ऐसे कामों में वर्कर बहने गवर्नमेंट को याद आती है। खैर, यहां पर इस लेटर के बारे में आप क्या सोचते हैं? शीला बहन आती है बुलंदशहर से, और बुलंदशहर से उन्होंने इस लेटर को भेजा है जो उनके ग्रुप में उन लोगों को भेजा गया होगा। अब ये कार्यालय का आदेश जो शीला देवी बहन ने भेजा है, इस पर आप सबका क्या ख्याल है कमेंट में बताइएगा। चलते हैं अगली खबरों की तरफ, पूरा वीडियो देख करके जाना। समाचार एक नौकरी से रिलेटेड हमारे पास ये लगा हुआ है। राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2022 है। राजस्थान में आंगनबाड़ी वर्कर और असिस्टेंट के 1000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है, जाने लास्ट डेट क्या है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, पहली बात तो ये कि नंदनी दुबे जी हैं जागरण वाले में, उनकी ये आर्टिकल 8 जून को प्रकाशित की गई है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। 10वीं पास और 12वीं पास होना जो है यहां पर किस किस के जो कैटेगरी के लिए जरूरी है। अब ये एक फोटो भी वहीं से आ रही है, 8 जून की राजस्थान आंगनबाड़ी रिक्वायरमेंट 2022 के लिए। अब देखते हैं कहां पर क्या इसमें बताया जा रहा है। इनका कहना है राजस्थान में जॉब का शानदार मौका है। राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी असिस्टेंट यानी
की सहायिका और आशा सहयोगिनी इनके पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके तहत कुल 1000 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहता है वे योग्य और इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही अंतिम तिथि पर या उससे पहले संबंधित कार्यालय को आवेदन भेज सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भर्तियां झुंझुनू, अजमेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, नागौर और चूरू, कोटा, भरतपुर, अलवर, इनके लिए वैकेंसी उपलब्ध है। तो जहां जहां से मैंने नाम बताए हैं राजस्थान से, इन जिलों के लिए भर्तियां हैं जिनमें झुंझुनू के लिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 4 जुलाई रखी गई है। तो अभी समय है, आप जिनको भी वहां से आती है भरना है फॉर्म तो भर सकते हैं। अजमेर, नागौर, चूरू, भरतपुर, कोटा, श्री जो है गंगानगर और अलवर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून है, तो अभी बहुत ज्यादा समय नहीं है। हनुमानगढ़ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून 2022 थी, चूंकि अब ये निकल चुकी है, अब वहां का जो भी होना था सो हो गया। राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में यहां पर और लिखा है कि विभिन्न पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 10वीं और 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार योग्यता से जुड़ी जानकारी जो है यहां पर उसके लिए अभ्यर्थी अधिसूचना पीडीएफ से संबंधित जो अधिक विवरण है वो उसमें देख सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। तो देखो 10वीं पास होना हेल्पर के लिए जो है यहां पर लग जाएगा, और जो आंगनबाड़ी बहने हैं उनको एटलीस्ट 12वीं पास होना ही चाहिए, तो 12वीं उनके लिए है। और आगे चलते हैं और भी आपको बताते हैं। लिखा इसके अलावा अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन करते वक्त नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें, क्योंकि अगर फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा भर्ती से जुड़ी जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, जो भी राजस्थान की वहां पर वेबसाइट है। अब देखिएगा झारखंड के रांची से भी एक खबर आ रही है, अब आपको बताना चाहेंगे जिससे आप सब कार्यकर्ता बहनों को थोड़ा गर्व महसूस होगा। तो झारखंड के रांची से खबर निकली है, हाल ही की है, 2 जून को अभी जब जेपीएससी में वहां रिजल्ट निकला था झारखंड में, तो वहां से एक खबर आ रही है आंगनबाड़ी सेविका वहां पर अधिकारी बनी है। तो ये एक बड़े हर्ष की बात है कि आंगनबाड़ी सेविका बहन जो झारखंड के रांची से है वो अधिकारी बन गई है। जेपीएससी में उनका 145वां रैंक आया है, बधाई देने वालों का उनके घर पर ताता लगा है। तो आइए देखते हैं यहां पर और क्या है। इनका कहना है जेपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 145वां रैंक लाकर के हजारीबाग जिले की आंगनबाड़ी सेविका दरअसल है अब वो अधिकारी बनेंगी। वह शिक्षा सेवा के लिए चयनित हुई है, हिंदी फिल्म सूर्यवंशम से मिलती जुलती है। इस आंगनबाड़ी सेविका की जिंदगी के बारे में जानिए। आइए देखते हैं भाई, यहां पर एक ये फोटो यहां पर दिखाई दे रही है जो सेविका कंचन कुमारी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनका जो है यहां पर उसमें सिलेक्शन हुआ है। अब बाकी आपको बताना चाहेंगे, लिखा है रिजल्ट के बारे में, एक सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का योगदान होता है ऐसा अक्सर जो है कहा जाता है, मगर हजारीबाग जिले के बरही जो यहां पर पंचमाधव पंचायत के अंतर्गत जरिया गांव की आंगनबाड़ी सेविका कंचन कुमारी की सफलता के पीछे उसके पति का अहम योगदान रहा है। वह जेपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अंतिम रूप से सफल हुई है और परीक्षा में 145वां रैंक लाकर के वह शिक्षा सेवा के लिए चयनित की गई है। तो अच्छी बात है, तो ये एक वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनकी घरेलू जो जिंदगी है वो 1999 में बनी हिंदी फिल्म सूर्यवंशम से मिलती जुलती है। पति उमेश प्रसाद गोप द्वारा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और उसके कार्यों में खुद से हर संभव जिम्मेदारी निभाना ताकि उनकी पत्नी को पढ़ाई का पूरा वक्त मिले और सफलता हासिल हो, नतीजा कंचन की सफलता के रूप में सामने आया है। कंचन कुमारी ने जरिया गांव की स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका का कार्य करते हुए पढ़ाई को जारी रखा, दूसरे प्रयास में सफलता मिली, पति उन्हें निरंतर पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहे और पढ़ाई के वक्त साथ साथ हर संभव उपलब्ध साधन भी वो करवाते रहे हैं और साथ ही उनके पास ससुर व परिवार के अन्य सदस्यों का भी उनको साथ मिला है, तो काफी जगह ये देखने को नहीं मिल पाता है। कंचन कुमारी का जब विवाह हुआ था तो वह महज 9वीं कक्षा पास थी, आगे की पढ़ाई उनके पति एवं ससुराल वालों के द्वारा कराई गई। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से उनके इकोनॉमिक्स से जो है उन्होंने पीजी किया। कोरोना काल में जब आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा था तो कंचन कुमारी ने उस वक्त का भी जो है भरपूर लाभ उठाया, उन्होंने इंटरनेट मीडिया और गुरुकुल कोचिंग संस्थान का भी सहारा लिया। वह अपनी सफलता का श्रेय अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर परिजन और शिक्षक गण को भी वो दे रही है। बाकी इनके अलावा एक और खबर देखने को मिल रही है, जगह वही है, झारखंड के रांची से ही खबर है और जो है जेपीएससी का ही रिजल्ट है। इसमें एक और जो है यहां पर
पुत्री ने बाजी मारी है, जो कि वो आंगनबाड़ी सेविका की पुत्री है। अभी जिनको आपने देखा वो आंगनबाड़ी थी, और अब ये जो है वो आंगनबाड़ी सेविका की पुत्री है, जिनका पुलिस सेवा के लिए जो है चयन हुआ है, और झारखंड में पूरे राज्य में उनका छठवां स्थान है। उनका 145वां था, इनका छठवां स्थान है। आपको बता दें जेपीएससी रिजल्ट 2022 हजारीबाग के ओकनी की आंगनबाड़ी सेविका की बेटी है। इन्होंने जेपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड भर में छठवां स्थान लाया है। उनका चयन पुलिस सेवा के लिए हुआ है, और उनका कहना है कि जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होते हैं, मेहनत करिए। तो एक ये वहां से फोटो आप देख पा रहे होंगे, पूजा है इनका नाम, और पूजा को मिठाई खिलाते हैं उनके परिजन। तो ये एक फोटो वहां से भी आ रही है। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं, हजारीबाग के ओकनी की आंगनबाड़ी सेविका है पूर्णिमा देवी, उन्हीं की बेटी है पूजा। इन्होंने जेपीएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में झारखंड प्रदेश में जो है छठवां स्थान उन्होंने लाया है। उनका पुलिस चयन के लिए जो यहां पर चयन हुआ है, यानी पुलिस सेवा के लिए चयन हुआ है। लोग जो है कहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए कठिन मेहनत ही नहीं, कोचिंग में भी पढ़ाई करनी पड़ती है, परंतु ओकनी की आंगनबाड़ी सेविका पुत्री पूजा ने यह मिथक तोड़ दिया है। घर पर ही रह करके बिना कोचिंग की मदद के लिए सफलता उनको मिल सकती है, इसे पूजा ने प्रमाणित कर दिया। यानी उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की है, घर से ही उन्होंने तैयारी की और घर से ही उन्होंने नौकरी हासिल की है। जो लोग कहते हैं कि कोचिंग से ही सब होता है, तो कोचिंग से ऐसा सब नहीं होता है। कोचिंग केवल आपको मार्गदर्शन देती है, चलना आपको ही है, कितने अच्छे से चलते हैं मेहनत करके वो आप पर निर्भर करता है। पूजा कुमारी 2008 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, और उसके बाद उसने रसायन विज्ञान से स्नातक और स्नातकोत्तर किया। पढ़ने का सिलसिला जारी रखते हुए बीएड वगैरह की, लेकिन वर्दी पहनने का शौक था और कुछ अलग करने का जुनून था। ऐसे में उसने जो यहाँ पर प्रारंभिक समय से ही जेपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। आज वह जेपीएससी परीक्षा में पूरे राज्य भर में छठवां स्थान प्राप्त करके क्षेत्र का नाम उन्होंने रोशन कर दिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, पूजा बताती हैं कि हम लोग तीन बहन हैं और एक भाई हैं, मैं सबसे बड़ी हूं और मेरे सभी भाई बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं। बताया कि जीवन में सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं होती, उसने अपने सफलता का श्रेय अपनी माँ को दिया है। पूजा बताती है कि माँ दिन रात मेहनत करती है और उसी का यह आशीर्वाद मुझे मिला है। इस तरह से ये कुछ जानकारियां आई। वही उसके अलावा रज्जन बहन आती है फतेहपुर से। तो अभी यूपी में आपने देखा है 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट आया, यहां पर भी आंगनबाड़ी बहनों की जो है बेटियां और बेटे जो भी हैं, उन सबने भी कुछ ना कुछ बाजी मारी है। तो यहां पर रज्जन बहन ने कहा है कि भैया जी नमस्ते, मेरी बेटी ने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो इनके लिए भी जो है यहां पर कांग्रेचुलेशन। और साथ ही साथ रज्जन बहन ने एक ये आर्टिकल भी भेजा जो उनके वहां निकला है, यमुना कटरी की बेटी ने लहराया पंचम। और आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं 10वीं की छात्रा है ये, और इनका कहना है कि जो विद्यालय का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है, समस्त स्टाफ ने उनको बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। और विजयपुर विकास खंड के गोंदौरा ग्राम निवासी पूजा देवी की पुत्री हैं। रामू ने श्री राम गोपाल त्रिपाठी इंटर कॉलेज वगैरह से अपना पढ़ाई वढ़ाई किया है, 84.8 अंक इनको यहां पर मिले हैं, तो ये एक जो है खुशी की बात है। साथ ही साथ एक यहां पर अनीता बहन आती है पीलीभीत से, और इनके वहां से भी उन्होंने आर्टिकल भेजा है, हाई स्कूल की टॉप 10 सूची में स्थान पाकर के पलक ने किया है परिवार का नाम ऊंचा। तो यहां पर पीलीभीत में अनीता देवी बहन आती है, वो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और उनकी बेटी ने भी जो है 91.83% जो है अंक हासिल किए हैं। हाई स्कूल की ये छात्रा हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, अंगूरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। तो इनके लिए भी यहाँ पर बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, इधर आप देख रहे हैं एक और यहाँ पर नसरीन बानो है, बिजनौर से आती है, और इनका एक उन्होंने भेजा है कि 86% जो हाई स्कूल वगैरह में अंक प्राप्त किए हैं और मैथमेटिक्स में 98 नंबर आए हैं। इस तरह से जो यहां पर एक उन्होंने भी आर्टिकल भेजा है और मार्कशीट वगैरह भी भेजी है। फिलहाल ये आप फोटो देख सकते हैं, ये जो बीच में आपको बेटी दिख रही है। और साथ ही साथ यूपी बोर्ड का परीक्षा परिणाम आने पर खुशी से झूमे छात्र छात्रा, 10वीं के छात्र विनीत कुमार ने भी 87.6% अंक वहां पर पाए हैं। और इस तरह से कुछ यहां पर बेटियों ने ज्यादातर बाजियां मारी हैं। इधर आप देख रहे हैं एक ये शिफा परवीन के नाम से बहन ने ये अपना रिजल्ट टाइप का भेजा है इंटरमीडिएट का, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे 516 इनके टोटल अंक बन रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें ये पुष्पा सिंह बहन है जो उन्नाव से आती हैं, और बहन ने एक जानकारी भेजी थी। दरअसल यहां पर उनके सभी जितने भी पोस्टर ट्रैकर पर लाभार्थी हैं सबके सब अब वेरीफाई हो चुके हैं। इसके पीछे का बहन ने राज बताया है कि सुधांशु भाई नमस्कार, जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं है हमने उन बच्चों को डिलीट करके उनके माता और फादर और गार्जियंस का आधार कार्ड डाल करके अपडेट कर दिया, और उसके बाद वेरीफाई भी हो गया है। पुष्पा सिंह बहन ब्लॉक इनका मियागंज है, उन्नाव से आती है।
तो पहले आप सबको बता चुके हैं कि जिन लाभार्थियों को आपको वेरीफाई करना है, अगर उनका नहीं हो रहा है, आधार कार्ड नहीं लगा है, तो नहीं होगा। ऐसे में आपको उनको डिलीट करना होगा, दोबारा से फिटिंग करनी होगी। गार्जियंस का आप जो है उसमें नंबर आधार वाला डाल करके करेंगी तो हो जाएगा, या फिर माता का या पिता का किसी का भी डालेंगी हो जाएगा। तो आज का वीडियो सुबह का यहीं तक रखते हैं, और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर मिलते हैं। अभी के